नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। और भाइयों, आज की वीडियो में आपको आइसर 557 4x4 ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ। भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये 55 HP का ट्रैक्टर है और ये सितारगंज में नया शोरूम खुला है, पन्नू ट्रैक्टर्स, हल्द्वानी बाईपास रोड, सितारगंज। आप देख पा रहे होंगे, ये इनका नंबर है। तो भाइयों, ये जो ट्रैक्टर आप देख पा रहे हो, थोड़ा पुराना ट्रैक्टर आपको लग रहा होगा। भाइयों, ये डेमो का ट्रैक्टर यहाँ पर आया हुआ है, जो हमारे किसान भाई सितारगंज के आसपास के देख रहे हैं, सितारगंज के देख रहे हैं। तो इसका डेमो लेने चाहते हैं तो आप डेमो ले सकते हैं। और आपको जिस भी यंत्र पर डेमो चाहिए, उस यंत्र पर आपको डेमो मिल जाएगा। और जिस भी ट्रैक्टर के साथ आप चाहें तो डेमो ले सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं ट्रैक्टर के बारे में। ट्रैक्टर ये 55 HP का है, 55 HP का ट्रैक्टर है। और ये ट्रैक्टर आपको 2-व्हील ड्राइव में भी मिल जाएगा। इसके जो आगे टायर हैं आपको 9524 से मिलते हैं, काफ़ी बड़े टायर हैं। और फ्रंट में आप देख पा रहा हूँ, आपको वेट मिलेगा, ठीक है। ये आपको 6 प्लेटें मिलती हैं, इनकी एक प्लेट का वजन लगभग 27 kg का है। ये कंपनी फ्रेट है, आप देख पा रहे होंगे। और इसका जो पावर स्टीयरिंग है, इसमें आपको बैलेंस टाइप का पावर स्टीयरिंग मिलने वाला है, ठीक है। इसका जो फ्रंट एक्सल है, ये काफ़ी हैवी दिया हुआ है, सब तेल में डूबा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, कहीं कोई लीकेज वगैरह नहीं है। और इसका जो हिस्सा है, ये बिल्कुल फार्म ट्रक की तरह दिया हुआ है, काफ़ी भारी है, आप देख पा रहे हैं, उससे भी भारी लग रहा है मुझे तो। वैसे देख सकते हैं, बहुत ही मोटा है, ठीक है, शायद इतना हैवी किसी का नहीं है। और ये वाटर कोल ट्रैक्टर है, बहुत से भाई सोचते हैं कि आइसर के वाटर कोल ट्रैक्टर नहीं है, ये वाटर कोल ट्रैक्टर है। और आपको एयर कोल भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी जो लाइटें हैं, इसमें आपको हैलोजन लाइटें मिलती हैं, बीच में आपको आइसर का लोगो मिलता है। इस ट्रैक्टर का जो एयर क्लीनर, इसमें आपको ऑयल भात वाला एयर क्लीनर मिलता है। और इसका जो कलर है, कलर इसका बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है जी। और ये इसका पावर स्टीयरिंग पंप, हाइड्रोलिक पंप है, टेंडर पंप जैसे बोलते हैं, आप देख पा रहे होंगे। और ये इसका हाइड्रोलिक का फिल्टर हो गया। बाकी ये इसका देख सकते हैं, स्पार्क मिंडा का सेल्फ दिया हुआ है भाइयों। और अगर आप लोग इस ट्रैक्टर को चला रहे हैं, तो उसके बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दें, बताएँ ये ट्रैक्टर कितना डीजल ले रहा है, कौन से यंत्र पर चला रहे हैं, ठीक है जी। बात करते हैं इस ट्रैक्टर के ब्रेक के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको ऑयल इमस्ट ब्रेक मिलते हैं, ठीक है। ब्रेक इसके बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि पिछला हिस्सा बहुत हैवी है इसका, ठीक है। भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी SFC प्लेट, आप देख पा रहे होंगे, ये इसकी SFC प्लेट दी हुई है, ठीक है, आप इसे चेक कर सकते हैं। और बात करें गियर के बारे में, तो इसमें आपको 8+2 का सिंक्रोमैक्स टैका गियरबॉक्स मिलता है, यानी 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स इसमें आपको गियर मिलते हैं। आप चाहें तो उसे क्रीपर गियर में भी ले सकते हैं, नया मॉडल कंपनी लॉन्च किया है क्रीपर गियर, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सिर्फ आपको डिमांड पर मिलेगा। बाकी मैं आपको ट्रैक्टर उस साइड से भी दिखाऊंगा। और बात करते हैं इसकी लिफ्ट के बारे में, तो इसमें आपको 2100 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है। ये पुराना मॉडल है, इसकी लिफ्ट कैपेसिटी मैं आपको बता रहा हूँ, 2100 kg की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है। ये भाइयों, आप देख पा रहे हो, इसका बैटरी बॉक्स दिया हुआ है, सिंपल टाइप में है, और पास में सेल्फ दिया हुआ है। और इसकी जो शो है, इसका जो बोनट है, काफ़ी हैवी होने वाला है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है जी। और ये 63 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है भारत की, ठीक है। और जो भी भाई इस ट्रैक्टर को चला रहे हैं, इसके बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी 4-व्हील ड्राइव की रॉड, ये इसकी 4-व्हील ड्राइव की रॉड होने वाली है, ठीक है भाइयों। सेफ्टी कवर भी कंपनी लगाया है इसमें। और मैंने आपको बताया था, ये ट्रैक्टर 3 सिलेंडर में आता है, 3300 cc का इसका इंजन होने वाला है भाइयों। और ये ट्रैक्टर इनलाइन पंप के साथ में आता है, बॉस कंपनी का, इसमें आपको इनलाइन पंप मिलता है, आप देख पा रहे होंगे इनलाइन पंप पर। ये इसके डीजल फिल्टर हो गए, और ये पास में बैटरी सेपरेटर आपको मिलता है, ठीक है। ये इसका लगभग 50 लीटर का फ्यूल टैंक है, इसमें आपको लॉक मिलता है। और यहाँ पे कंपनी का इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल, ठीक है। साइड सिप गियर मिलते हैं, इसमें आपको सिंक्रो मैस गियरबॉक्स मिलता है, ठीक है। और MSPTO RPTO इसमें आपको मिलती है। भाई, बात करते हैं इसकी सीट के बारे में, तो सीट इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, काफ़ी कम्फर्ट इसमें मिलेगा आपको। और ये डूल फ्री सेक्टर है, ये इसका PTO लीवर हो गया, आप देख पा रहा हूँ, सिंगल स्टेप वाला, इसमें आपको पायदान मिलता है, पायदान वैसे अच्छा है। ये भाई उसके मीटर होगा, इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर मिलते हैं, क्लॉक भी इसमें आपको मिलती है, ठीक है जी। और आप देख पा रहे होंगे ट्रैक्टर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कलर वाइज। बाकी आप बताएं आपके पास कौन से कलर का ट्रैक्टर है। ये भाई इसका टूल बॉक्स होने वाला है, जो फाइबर का है, काफ़ी अच्छा होता है, कोई शोर शराबा नहीं करता है, कंपनी ने बहुत अच्छी जगह इसको लगाया है। और भाई, अब बात करते हैं ट्रैक्टर के बैक टायर के बारे में, तो मैंने आपको बताया था ट्रैक्टर में आपको 16 और 28 के बैक टायर मिलते हैं। और इसके जो रिम है, आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी हैवी क्वालिटी के साथ में आते हैं, ठीक है। कंपनी इसमें और सुधार कर रही है डे बाय डे,
बाकी आप लोग अपना फीडबैक जरूर लिखें ट्रैक्टर के बारे में। पिछला हिस्सा आप देख पा रहे होंगे बहुत हैवी होने वाला है, ये आप देख पा रहे होंगे प्लेंटी ड्राइव में है और डबल डिस्ट्रीब्यूटर्स में आपको मिलते हैं, ठीक है। लिफ्ट की पट्टी भी आप देख सकते हैं, बहुत हैवी कंपनी ने बनाया है, ठीक है जी। और ये एग्री स्टार कंपनी का रोटावेटर है, ये आपको अच्छे ट्रैक्टर के साथ में मिलेगा और ये 8 फीट का रोटावेटर है। तो जिससे भी रोटावेटर लेना है रोटावेटर भी आपको यहाँ मिल जाएगा भाइयों। ये आपके सामने आई 551 5-स्टार ट्रैक्टर है, ये भी आपको 4x4 में मिल जाएगा। ये टॉप मॉडल नहीं है फिलहाल, इसके ऊपर एक मॉडल और आता है सुपर प्लस, ठीक है। ये 188 है, इसकी भी आपको फुल वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।